एरिया करना है तो स्मॉल होगा, हाथ का एरिया करना है तो लार्ज होगा, लार्जर एरिया करना है टांगे छांगे बड़ा एरिया करना है और होगा उससे बड़ा होगा तो सबसे बड़ा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। फेस के ऊपर हम आमतौर पर क्योंकि मेजोरिटी फेस पे कर रहे होते तो स्मॉल एरिया। ये स्किन टाइप है हमारी, स्किन टाइप जो अंग्रेज़ों की होती है वो वाइट होती है, वो वन होती है, जो निग्रो की होती है वो ये होती है, हमारे यहाँ स्किन टाइप थ्री या फोर होती है। ये इसके तीन मोड हैं, SHR मोड, SHR स्टैक, SHR और हेयर रिमूवल। अगर SHR स्टैक है तो स्टैक का मतलब होता है किसी चीज़ को पाइल अप करके रख देना, कंटिन्यूसली शॉर्ट्स लगते रहेंगे। HR मोड सिर्फ हेयर रिमूवल के लिए, ठीक है। अभी हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको यहाँ पे रख दिया। फ्लुएंस मीन के जो एनर्जी जा रही है बॉडी के अंदर वो कितनी देर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये 5 joules per cm² एनर्जी के अंदर स्टे कर रही है, ठीक है। जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतनी एनर्जी नीचे सब एपिडर्मल लेयर के अंदर, डर्मल लेयर के अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। स्टैक का मतलब ये है कि कितना एरिया हम कवर करें। स्टैक को जब हम चेंज करेंगे 40 joules per cm बर्स्ट है बेसिकली, अच्छा, हम इसको ये ऑटोमेटिकली एनर्जी चेंज कर रहे हैं, ठीक। फिर एनर्जी चेंज कर, फिर एनर्जी चेंज 100 तक के ही जाएगा, सही, ठीक। ये SHR ST मोड स्टैक मोड है। फिर इसमें स्टैंड बाय मोड आ जाए, ये स्टैंड बाय कंडीशन। स्टैंड बाय कंडीशन में आपने जो पैरामीटर चेंज करने का, हाँ, वो आपने फिर रेडी मोड प्रेस कर दिया, ठीक है ना। रेडी मोड में जो आपने पैरामीटर सेट किए थे वही होंगे। ये थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि हम ट्राई करेंगे तो हम इसको 40 पे ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब रेडी मोड के अंदर, अब रेडी मोड के अंदर इस वक्त आ गया। ऑल यू नीड टू डू इस केस पे थोड़ा सा इसको टाइम देना ताकि इसका हैंड भी देखो अभी ठंडा होना शुरू हो गया। ये जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर आपने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जेल लगाना है स्किन के ऊपर, और अल्ट्रासाउंड जेल लगा के आपने इसको अभी तो थोड़ा फासले से रखना है। नहीं, ये तो टच होगा, अल्ट्रासाउंड जेल लग जाएगा तो टच होगा ना। ये फिर यहाँ पे हेयर को इस तरह से स्टैक की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। स्टैंड बाय मोड आ गया, फिर SHR मोड आ गया, ठीक है। SHR में फ्लूंस वही है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने एनर्जी को स्किन के अंदर रखना, कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना है, टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी वही आ गई। ग्रिड एरिया ये कि कितना एरिया आप कवर करना चाहते हो, आप पूरे फेस का करना चाहते हो, पूरे बॉडी का करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप करना चाहते हो वो आप उस पर कर सकते हो। स्ट्रेंथ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जब आप ग्रिड एरिया बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली टाइम और एनर्जी वो बढ़ेगी बढ़ेगी, कम करोगे तो ऑटोमेटिकली कम भी होगी, ठीक है। मिनिमम 300। फिर अगेन आप स्टैंड बाय मोड पे जाओगे, एंड देन अब ये SHR मोड है तो इसकी जो शॉट है वो रिपीटेडली नहीं निकलेगी, कंटिन्यूसली शॉट नहीं निकलेगी, देखो। दिस इज बेसिकली SHR। फिर वापस आ जाएं, ये इसमें आ गए। अगर आपने ये सपोज आपने इसको यहाँ पे ये सेव करना है पैरामीटर्स, अच्छा, तो आप इसको प्रेस कर दो, ये सेव हो जाएगा। जब आप 1 को दोबारा प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर्स इसमें वापस आ जाएंगे। फिर HR मोड है, दिस इज हेयर मूविंग। इसमें दो ही पैरामीटर हैं, एक इसका फ्लुएंस कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखनी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स के नंबर ऑफ रिपीटेड शॉट इन 1 सेकेंड, और फ्लुएंस मीन कितनी आपने ड्यूरेशन के लिए करना है। अगेन यू नीड टू प्रेस स्टैंड बाय मोड एंड देन यू